थ्री लेट थ्री प्लस में टू रूट फाइव इज रैशनल नंबर कि वो एक रैशनल नंबर है अगर वो रैशनल नंबर है तो उसकी रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है उसमें यानी रैशनल नंबर विच नंबर कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू उस नंबर को हम पी बाय क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं तो इसको इस नंबर को हम किस फॉर्म में राइट कर सकते हैं पी बाय क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं और वहां पे q इज नॉट इक्वल टू जीरो तो यानी डिनोमिनेटर कभी भी आपका जीरो नहीं होता क्योंकि जीरो अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो हमारी वैल्यू होती है अनडिफाइंड तो यहां से q इज नॉट इक्वल टू जीरो अब इस क्वेश्चन में हमें रूट वाली क्वेश्चन स्पेशली जो रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनती वो इरेशनल नंबर होती है इसको ओनली रूट वाली क्वेश्चन को हम इधर रखेंगे बाकी को यहां से मूव करेंगे सबसे पहले थ्री को मूव करेंगे टू रूट फाइव इक्वल टू पी बाय क्यू ये नंबर यहाँ प्लस का है जब प्लेस चेंज करेगा यहां से इधर तो ये माइनस का हो जाएगा अब टू को मूव करेंगे रूट फाइव इक्वल टू तो पी बाय क्यू माइनस थ्री यहां पे इनके बीच में मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो ये नंबर डिवाइड में आएगा यानी वन बाई टू की फॉर्म में आएगा अब ये p बाय क्यू की फॉर्म में नंबर है तो ये हमारे पास क्लियर है कि जिस नंबर को हम p बाय क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं और जो रूट के अंदर नॉट परफेक्ट के रूट होती है नंबर होता है उसको हम इरेशनल नंबर ही बोलते हैं वो हमारी इरेशनल नंबर ही होती है और दोनों इक्वलिटी होल्ड की है लेकिन रैशनल और इरेशनल टू अलग अलग पार्ट है दोनों बिल्कुल डिफरेंट पार्ट है वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे वो हमेशा क्या होते हैं नॉट इक्वल होते है। और यहां हैं और यहाँ पे ये इक्वल आए हुए हैं वो हमेशा नॉट इक्वल होते हैं तो ये हमारे पास क्या हो गई कंट्राडिक्शन हो गई दिस इज ए इज ए कॉन्ट्राडिक्शन ये कॉन्ट्राडिक्शन है और कॉन्ट्राडिक्शन को आप अगर सिंबॉलिक फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं ये दिस इज ए ऐसे दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन ये कॉन्ट्राडिक्शन है सो आवर अजम्पशन अजम्पशन मीन्स जो हमने माना था जो हमने लेट किया था इज रोंग वो रोंग है दिस इंप्लाइज रोंग है इट मीन्स वो रैशनल नहीं है अगर रैशनल नहीं है तो वो क्या है इट मीन्स वो इेशनल नंबर है सो दिसम्प्लाइज थ्री प्लस में टू रूट फाइव इज इशनल टू टाइप में होते रियल में रैशनल और इरेशनल अगर वो रैशनल नहीं है तो इेशनल है इरेशनल नहीं तो वो रैशनल है दिस इज योर आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड प्रूव दैट फ्लोइंग आर इेशनल हमने इसको भी इेशनल शोक करना है इन क्वेश्चन में ओनली अगर रूट की फॉर्म में अकेला रूट की फॉर्म में तो रैशनल इरेशनल शो करने के लिए हमें लॉन्ग प्रोसेस करना पड़ता है अगर इरैशनल नंबर के प्लस माइनस में कुछ भी है यहाँ प्लस में है या डिवाइड में है या मल्टीप्लाई में या प्लस में तो उसके लिए हमारा प्रोसेस थोड़ा सा शॉर्ट होता है इसको भी फर्स्ट पार्ट को भी हम शो करेंगे वन बाय रूट टू इज इराशनल नंबर ये भी क्या है कि इेशनल नंबर है सेम प्रोसेस होगा लेट करेंगे लेट वन बाय में रूट टू इज रैशनल नंबर उसका कंट्राडिक्शन लेके चलते हैं रैशनल नंबर तो यहां से अगर वो रैशनल है तो उसको क्या करेंगे हम पी बाय क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं ए बाय बी पे राइट कर सकते हो आप ए बाय बी की फॉर्म में वेयर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो अब यहां से इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमने रूट टू को ऊपर लेके आना तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बी इक्वल टू यहां से ए रूट टू रूट टू को हमने अकेला करना है तो रूट सॉरी ए यहां मल्टीप्लाई में है इधर लेके आएंगे तो ये ए मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में रूट टू अब यहां से ये पी बाय क्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है तो ये हमारे पास क्या हो गई रैशनल नंबर हो गई और जो रूट में है वो इरेशनल नंबर है दोनों इक्वलिटी होल्ड किए हुए हैं बट ये कभी भी इक्वल नहीं होते नॉट इक्वल होते हैं हमेशा तो ये हमारे पास क्या है कंट्राडिक्शन है दिस इज इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो दिस इंप्लाइज या शो आवर अजम्पसन इज रोंग हमारा मानना गलत था डिसंप्लाइज वन बाय रूट टू इज रैशनल नंबर वो हमारे पास क्या है एक रैशनल नंबर है नाउ सेकेंड पार्ट भी हमारे लिए सेम है लेट करेंगे लेट सेवन रूट फाइव इज रैशनल नंबर कंट्राडिक्शन लेके चलेंगे कि वो हमारे पास इेशनल नहीं है तो रैशनल होगी रैशनल नंबर अगर रैशनल है तो उसको हम p बाय क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं तो रूट फाइव किस फॉर्म में है p बाय क्यू की फॉर्म में नंबर है ये और वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो अब यहाँ से रूट फाइव को यहीं रखेंगे सेवन को मूव करेंगे रूट फाइव इक्वल टू पी बाय क्यू और सेवन यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके ये नंबर डिवाइड में नहीं पी के डिवाइड में आएगा तो यहाँ से रूट फाइव इक्वल टू पी बाय में सेवन क्यू अब ये क्लियर है कि ये हमारे पास क्या रैशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है और कभी भी ये आपस में इक्वल नहीं होते और यहां हमने इक्वल शो कर दिया तो दिस इज ए कंट्राडिक्शन दिस इज ए कंट्राडिक्शन यहां से ये कंट्राडिक्शन का साइन है ये नॉट इक्वल का साइन है और जब हम डबल क्रॉस लगाते हैं तो वो कंट्राडिक्शन का साइन होता है सो so, आवर ज्सन इज रोंग हमारी जो अजम्पन है रोंग है दिस एम्प्लाइज सेवन रूट फाइव इज ए इेशनल नंबर और क्वेश्चन थर्ड का जो थर्ड पार्ट है वो सेम हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन की तरह होगा पहले हम इसको रैशनल नंबर लैट करेंगे उसके बाद हम सिक्स को मूव करेंगे माइनस हो जाएगा और वहाँ से वो हमारे पास क्या हो जाएगा पी बाय क्यू इक्वल पी बाय सिक्स क्यू तो यहाँ से रैशनल और रेशनल नॉट इक्वल वहाँ से कंट्राडिक्शन होगी तो इस तरह से जो सेकंड क्वेश्चन की तरह हम थर्ड पार्ट सिमिलरली शो कर सकते हैं दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड डियर स्टूडेंट्स इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक एंड शेयर द वीडियो